नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मेरठ में पंचायत चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। आगामी 26 तारीख को पंचायत चुनाव में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार जनता का सीधा मूड केवल विकास कार्यों पर ही वोट देना है। जनता साफ तौर पर समझ चुकी है कि वो अब किसी तरह के झूठे दावों और वादों में नहीं आने वाली। जो उनके क्षेत्र में विकास कार्य करेगा वही क्षेत्र का प्रतिनिधि बन सकेगा। हालांकि हमारी टीम गांव-गांव जाकर पंचायत चुनाव को कवर कर रही है। इस दौरान हमारी टीम वार्ड 26 के गांव गावड़ी में पहुंची, जहां लोगों से बातचीत के साथ ही प्रत्याशी से भी मुलाकात हुई। देखिए, मैं हूं मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम। आज हम पहुंचे हुए हैं मेरठ के किला रोड पर बने एक गाँव में, जिसका नाम गावड़ी है। गावड़ी का नाम पूरे इलाके में जाना जाता है। यहाँ के राजनीतिक लोग रहे हैं जो बसपा शासन काल में भी रहे हैं। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन हो या फिर कोई भी पर्व चल रहा हो, रोजे हो, नवरात्रे हो, कोई भी हो, लेकिन जो तमाम प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, जी जान से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस वार्ड में हूँ, ये वार्ड 26 लगता है, यहाँ पर करीब 9 प्रत्याशी जो जिला पंचायत में मैदान में हैं। और इस इलाके में 15 गाँव आते हैं, इस वार्ड में 15 गाँव आते हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देखेंगे तस्वीरों में कितना उत्साह इस चुनाव को लेकर के लोगों में दिखाई देता है, क्योंकि इस वक्त रात का वक्त है। और ऐसे में जो जिन लोगों को घर पर होकर आराम करना चाहिए था, क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है, वो लोग अब सड़कों पर हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं और ये भी जता रहे हैं कि जो पूर्व में काम नहीं हो पाए वो काम अब होने चाहिए। मेरे साथ नाजिम है, नाजिम यह प्रत्याशी हैं। नाजिम, ये बताइए, क्या सोच करके आप यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ने? क्योंकि पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, जो नेता रहे हैं, क्या वो काम करा पाए जो आप कराना चाहते हैं? नहीं, अभी तो इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया सामने कि किसी ने। आप क्या सोच कर आए हैं, क्या चाहते हैं? हम तो काफ़ी दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं, तकरीबन जो है 1.5-2 साल से, और हमने जो देखा है कि क्षेत्र में कहीं भी कोई खास काम नहीं हुआ हुआ, नाली खड़ंजे, सड़कें सब बदतर हुई हुई है। तो हमारा तो यही है कि लोगों के साथ मिल के उनका काम करा जा और लोगों की परेशानियों को दूर करा जा। तो लोगों की परेशानी दूर हो, विकास कार्य हो, हालांकि विकास कार्य के तमाम दावे वादे किए जाते रहे हैं। आप ये बताइए, आप इस इलाके के बासिंदे हैं, वोटर भी हैं, आपको क्या लगता है यहाँ क्या काम होने चाहिए थे, क्या रह गए हैं, और क्या अब जो वर्तमान में नेता वादी दावे कर रहे हैं वो कौन से काम है जो होने चाहिए? सबसे बड़ी कमी हमारे क्षेत्र में ये है कि कोई भी नेता जब राजनीति में आता है तो उसको जनता का प्रतिनिधित्व होकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है कि वो लोग सिर्फ नेता लोगों के प्रतिनिधि बनके या राजनीतिक लोगों के कुछ चुनिंदा लोगों के प्रतिनिधि बनके काम करते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग नेता हैं जो एजेंट के रूप में काम करते हैं। ऐसा अभी कोई नेता हमारे सामने अभी नहीं है जो जनता का प्रतिनिधित्व होकर काम करे। पिछले भी कई चुनाव हुए हैं, अब भी कई चुनाव हो रहे हैं। हमारे वार्ड 26 में ऐसे ऐसे लोग भी प्रत्याशी आ रहे हैं जिनका चेहरा किसी ने कभी देखा ही नहीं, जो वार्ड 26 से ताल्लुक ही नहीं है उनका, और सिर्फ वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीतिक कारोबार जिंदा करने के लिए वो सिर्फ क्षेत्र में आए हुए हैं। या तो उनको कोई पैसा दे दे या ले। अच्छा, नहीं, ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। ये तो वोटर तय करेगा कि उसको देना है नहीं देना है, उसको क्षेत्र में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वोटर तय नहीं करेगा। वोटर तय करेगा मुझे कहाँ वोट देना है, तो ये तो राइट है। लेकिन आप जो चाहते हैं, चूँकि आप बीइंग अ वोटर, आप किस मुद्दे को लेकर के अपनी वोट करना चाहते हैं? हमें एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो पढ़ा लिखा है, समझदार है और जिसे सामाजिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है। आपके सामने ऐसे भी प्रत्याशी होंगे जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। जब आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आप राजनीतिक करियर कैसे बना पाओगे, कैसे लोगों का भला कर पाओगे? सबसे पहला जरूरी है आपके पास एक अच्छा समझदार कैंडिडेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और जिसकी सामाजिक छवि एक अच्छी होनी चाहिए। ये तो देखा जाता है जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें मैक्सिमम जो प्रत्याशी होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, और यही वजह है इन इलाकों में काम नहीं हो पाते, सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती हैं। चाहे विधवा पेंशन की बात हो या सरकारी आवास की बात हो या स्ट्रीट लाइट हो, इस खंबे हो, लाइटें हो, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो धरातल पर नहीं आ पाती, केवल यही वजह होती है जो अशिक्षित लोग होते हैं उनकी वजह से। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं आप ये बताइए? मैं बीटेक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम, ये बताइए, आप इस इलाके के बासिंदे हैं, आपकी वोट भी बन गई होगी वाली के, तो किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करना चाहते हैं? चूँकि अभी एक सज्जन बता रहे थे अशिक्षित प्रत्याशी होते हैं, धरातल पर काम नहीं आते, आप किस मुद्दे को लेकर करना चाहते हैं?
सबसे पहला तो मुद्दा यह है, एज अ यूथ हम इस क्षेत्र के अंदर एक यूथ चेहरा देखना चाहते हैं। सबसे पहले जो लोग जिला पंचायत में आते थे, पंचायत चुनाव में जो लोग आते हैं, वे लोग पूरी तरीके से पॉलिटिकल होते हैं, आते हैं वोट लेते हैं और अब चले जाते हैं, जिनका क्षेत्र से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। इस बार भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लोकतंत्र की वजह से वो लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, इसी तरीके से वोट देना भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो बहुत से लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं तो चले जाते हैं, हार जाते हैं तो भी चले जाते हैं। उनकी शक्ल देखे भी 5-5 साल हो जाते हैं, पहले भी पिछली योजना में हम देख चुके हैं, उससे पहले भी हम देख चुके हैं, जिनका इस वार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है वो लोग आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और चले जाएंगे। तो एज अ यूथ अब की बार हम नाजिम भाई में उस चीज़ को देख रहे हैं। कोई मुझे ये बताइए, आपकी नज़रों में ऐसे क्या काम है जो होने चाहिए जो नहीं हुए, एज अ यूथ ही बता दीजिए। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग, फिलहाल में आप यहीं पर शिव गावड़ी गाँव में देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी पक्के मकान नहीं है। अनएजुकेटेड होने की वजह से जो लोग जीत जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि योजनाएं कहां से लानी है। तो जब एक बंदा पढ़ा लिखा होगा, उसे योजनाओं के बारे में पता भी होगा, तो वो गरीबों के लिए योजनाएं लाएगा, वो गरीबों को पेंशन दिलाएगा, वो उनके एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ करेगा क्षेत्र के अंदर। तो ये बात जो है बिल्कुल फैक्ट है, जिन लोगों को जानकारी होती है वही योजना धरातल पर ला सकते हैं, जिनको पता ही नहीं, ऐसे मैंने देखा है, खुद देखा है, ऐसे कई प्रधान मुझे अभी भी मिले हैं जो 5 साल से प्रधानी कर रहे हैं, क्षेत्र में हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ से क्या हो रहा है, किस विभाग से क्या होता है। वो केवल जाते हैं और कोई थाना हो या फिर कचहरी हो, यहाँ तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन पानी की अगर बात की जाए, क्षेत्रों में टंकी नहीं है, क्षेत्रों में नाली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पेचवर्क नहीं होता है। और इसके अलावा जो आवास की बात आती है, जो सरकारी आवास है, पीएम आवास योजना देश भर में चलती है, लेकिन क्षेत्र में नहीं है, इस इलाके में नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विधवा पेंशन है, ये तमाम जो चीज़ें हैं केवल शिक्षित जो प्रत्याशी होगा वो ला सकता है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या जिज्ञासा है मन में, क्या सोच करके आप यहाँ रहे हैं और क्या सोच करके वोट करना चाहते हैं? नहीं मुझे बताइए, समर्थन की बात छोड़ दीजिए, क्या सोच करके वोट करना चाहते हैं, क्या है जहन में? हमारे यहाँ एक लड़पुरा गांव पड़ता है, ठीक है, उसमें वो था गुड्डू, वो गुड्डू डब्बू जो भी, हाँ ठीक है। एक दिन मैंने उसे सवाल करा था कि हमारा ये रास्ता बनवाओ, ठीक है, तो वो थे क्या नाम है, शाहिद मंजूर के लड़के नाजी जो भी थे, तो उन्होंने मैंने कहा, उन्हें रोका, मगर जी इस रास्ते का ख्याल रखो, दूर रखेंगे, मगर जी आप तो जिला पंचायत सदस्य हो हमारे यहाँ के क्षेत्र के, हैं? उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो सब लोग ऐसे बन जाते हैं, कोई आता ही नहीं इधर, कोई झांकता ही नहीं। तो अब क्या लगता है, क्या जो आप जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो आपका काम करेंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ करेंगे, अगर नहीं किया फिर क्या करेंगे? नहीं है तो फिर तो वही है। देखिए आप प्रत्याशी हैं, इन लोगों की जो जिज्ञासा है, जिनके मनों में काम है, वो आप उनको कर पाएंगे या फिर हम आपसे सवाल करेंगे आके कि आपने क्या किया, क्या रह गया? नहीं बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, हर तरह से कंधा मिला के चलेंगे, जो भी परेशानी होगी हर तरह से साथ खड़े होंगे। ये इनका वादा भी है और न्यूज़ वर्ल्ड के लिए भी वादा है, क्योंकि हम फिर पूछेंगे, अगर ये जीतते हैं हम इनसे आकर के पूछेंगे इसी इलाके में क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, ये बताइए, आप आ जाइए, क्या दिमाग में है इस बार, चूंकि विधायक के चुनाव आपने देखे होंगे, लोकसभा के देखे होंगे, विधानसभा के, बड़े लोग, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन वो एक बार दिखते दोबारा नहीं। जो ये चुनाव है, ये आपका चुनाव है, आपके क्षेत्र का चुनाव है, आपके लोगों के बीच का चुनाव है, तो ये बताइए क्या मन में रहता है जब आप ये चुनाव आता है, क्या सोच के वोट? हमारा ये काम हमारा हो जाए, खड़े पंजे रह रहे हैं हमारे, ये हो जाए सब, हमारे ये हो जाए, लाइट वाइट लग जाए हमारी, ये हमारा वो क्या है, पानी लग जाए। अच्छा अच्छा ये बताइए, हाँ आपने एक बड़ी मुख्य बात कही है, विधायक भी क्षेत्र में है जिला पंचायत के अलावा, सांसद भी है, मंत्री भी है, एक बड़ी फौज है, तो आपका ये क्षेत्र, ये इलाका वंचित कैसे रह गया? हमारे यहाँ राजेंद्र अग्रवाल 3 साल योजना रह गया, तीसरी बार भी अब के, आज तक हमने उसकी शिकल नहीं देखी अपने गांव में। ये सतवीर त्यागी विधायक रह गए, अभी तक नहीं आए। अच्छा आपका गांव तो बड़ा मेरठ के करीब है, सटा हुआ है, फिर दादी आते ही नहीं, कोई भी नहीं आता। हमारे यहाँ के खुद मंत्री हैं, लोकेश प्रजापति हैं, केंद्र मंत्री हैं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा बरचित गाँव है, तो अब ऐसा कोई काम है ही नहीं। नहीं अभी तो ये तो चलो मान लिया, ये सेमीफाइनल है 2022 का, जो विधानसभा चुनाव होना है वो फाइनल होना है, जो आपके मन में है क्या वो आगे मन में रहेगा? ऐसे लोग जो आपकी नहीं सुनते, आपके इलाके में काम नहीं कराते, उसको लिए कैसे, उसका कैसे जवाब देंगे? जवाब यही है कि मैं तो समझता हूँ सपा का हूँ, सपा बसपा नहीं, ये बताइए इन लोगों को, सपा का भी चाहे वो भले ही हो, कोई भी नेता हो, अगर नहीं काम करेगा उसका क्या जवाब, आपको उसको कैसे जवाब देना है? बस यही है कि उसे वोट ही नहीं देने, गांव में नहीं बढ़न देना, बस ये गांव में नहीं, हाँ वोट नहीं देने, गांव में नहीं बढ़न देना, ये चल रहा है, चूंकि इस वक्त किसान अभी भी आंदोलित है और ऐसा कई जगह चल रहा है,
उनका यही यही मुकदमा कर रखा उन पे। अच्छा ये बताइए, अभी तो किसान हमारी लाके लड़ रहे हैं, उन पे देशद्रोहों का वो कई 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 मुकदमे ठोक दिए। खैर यहाँ हमारी जो है प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, चूंकि वक्त भी ज्यादा हो रहा है, लॉकडाउन का टाइम हो रहा है, और ऐसे में ये जो पंचायत चुनाव है ये काफी रोमांच भरता जा रहा है, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। उससे पहले ही तमाम जो प्रत्याशी हैं वो दमखम दिखा रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं वादी कर रहे हैं। हालांकि इस बार यहाँ इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ जो वोटर्स है वो केवल और केवल विकास के नाम को लेकर, विकास की बात को लेकर ही वोट करना चाहता है, क्योंकि पूर्व में ये लोग ऐसा लगता है ठगे गए हों, विकास के नाम पर लोग आए और वोटें ली चले गए। लेकिन इस बार इन लोगों ने साफ कहा है कि अगर इस बार विकास नहीं होगा तो अगली बार ये ऐसे लोगों को सफ़क दिखाने का भी काम करेंगे जो लोग आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। चूंकि विधानसभा का चुनाव भी सर पर है और ये चुनाव खासतौर से सेमीफाइनल माना जा रहा है, फाइनल विधानसभा का होना है। उस चुनाव में किस तरीके की ये लोग प्रतिक्रिया देंगे, चूंकि अभी भी इन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि लोग वोट नहीं देंगे, गाँव से निकालने का काम करेंगे। अपने सहयोगी अनीश चौधरी के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।